हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आनंदी, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ बेबी केयर में। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो ऐसी है जो कि इसके बारे में सभी को जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है, कोई भी बीमारी होती है, बिना पैसे के घर पर इलाज है, लेकिन हम लोग हज़ारों लाखों रुपये पैसे जो है हम लोग बाहर हॉस्पिटल में लगा देते हैं, फिर भी अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। क्योंकि गाइस, ये ऐसा चीज़ है ना, जो कि अगर आपको जोड़ों में दर्द हो, कमजोरी हो, थकान हो, खून की कमी हो, अनिद्रा हो, या पाचन खराब हो, या फिर शारीरिक कमजोरी हो, इसमें से कोई भी अगर परेशानी हो ना, तो ये चीज़ आप अगर एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो आपको तुरंत आराम मिल जाता है। का इन्होंने कमेंट किया है कि मैम, लाजवंती क्या होता है और लाजवंती के फ़ायदे के बारे में बताएँ, साथ ही लाजवंती के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, वीडियो बनाएँ। इनका एक कमेंट कई बार आया था, मैंने इनको रिप्लाई भी दिया, शायद इनको इसके बारे में पूरे डिटेल में पता नहीं चला, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दो जो कि सभी को इसके बारे में पता चल जाए। बहुत लोग लाजवंती नहीं जानते होंगे, लाजवंती क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, लाजवंती छुई मुई का पौधा होता है। देखेंगे तो जैसे सम्मी का पौधा होता है, सेम टू सेम वैसा इसका पौधा होता है। इसका फूल भी कुछ नीला कलर का होता है, मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखा देती हूँ। तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ, लाजवंती छुई मुई के पौधे को ही कहा जाता है। ये ऐसा पौधा होता है कि अगर इसको एक बार टच करके छू देना, तो तुरंत मुरझा जाता है, फिर वहाँ से हाथ हटाने के बाद डायरेक्ट फिर वापस उसी पोजिशन में हो जाता है। और अंग्रेजी में इसको सेंसिटिव प्लांट कहा जाता है। तो गाइस, हम आपको बता देते हैं, ये जो सेंसिटिव प्लांट होता है, इसके कई सारे बेनिफिट होते हैं। अगर जिसके घर में ये पौधा लग गया ना, तो समझ लीजिए कि उनके घर में तरक्की तो होती ही होती है, साथ ही उनकी परेशानियों को बहुत ही आसानी से दूर हो जाती है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो सेंसिटिव प्लांट है, यानी कि जो छुई मुई का पौधा है, इसके कितने सारे बेनिफिट हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, सारे डिटेल में आपको जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो जैसे गैस, हम आपको बता देते हैं कि चाहे गले में खराश हो, खांसी हो, सूखी खांसी हो, जुखाम हो, सूजन हो, या फिर सीने में दर्द हो, जकड़न हो, पेट से जुड़ी समस्या हो, चाहे यूरिन से संबंधित समस्या हो, जैसे कि बहुत लोगों को क्या है कि लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, उनको यूरिन से संबंधित जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो समस्याएँ हो जाती हैं, उसमें भी ये जो सेंसिटिव प्लांट होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि प्लांट होता है ना, जैसे कि अगर किसी का स्तन ढीला हो गया, किसी भी महिलाएँ का, अगर अपने स्तन को फिर से टाइट करना चाहते हैं, सुडौल सुंदर बनाना चाहते हैं, उन्हें फिर से लेवल में लाना चाहते हैं, तो जो सेंसिटिव प्लांट होता है, उसके जो तने होते हैं, यानी कि जो उसके जड़ होते हैं, उस जड़ को उसका लेप बना के उसके अपने स्तन पे मसाज करने से स्तन कुछ दिनों में धीरे धीरे फिर अपने असली पोजीशन में आ जाता है, यानी कि फिर से टाइट होने लगता है। ये जो लाजवंती होता है, इसको जो हाइड्रोसिल होता है पुरुषों में, उस हाइड्रोसिल की समस्या में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और महिलाओं में जो मासिक धर्म आता है, उस समय जो अनियमित परेशानी होती है, जो समस्याएं होती है, उसमें भी ये जो लाजवंती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और गाइस, हम आपको बता देते हैं, जो अस्थमा से पीड़ित हैं या जिनका लीवर खराब है, डायबिटीज से परेशान है, तो ये भी जो लाजवंती का पौधा होता है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके जड़ से लेके फूल, पत्ती, तना, ये सब कुछ एक आयुर्वेदिक औषधि होती है, इसका सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है। और गाइस, हम आपको बता देते हैं, जैसे जो भी पुरुष कमज़ोर हैं, दुबलापन है उनको, जो शारीरिक कमजोरी होती है, तो उन लोगों के लिए भी ये जो लाजवंती का पौधा होता है, यानी कि जो सेंसिटिव प्लांट होता है, ये बहुत ही चमत्कारी काम करता है, बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट मिलता है। गाइस, हम आपको बता देते हैं, जो लाजवंती का तना होता है, उस तने के जो जड़ होते हैं अंदर, उस जड़ को आपको अच्छे से धोकर साफ कर उसका पाउडर बना लेना है। उसी पाउडर को आपको सादे पानी के साथ रात में एक बार, यानी कि जो छोटा चम्मच होता है, उसी चम्मच के हिसाब से आप उसका सेवन करें, यानी कि आप 15 से 10 दिन के अंदर इसका सेवन करेंगे, तो आपको इसका जल्दी से जल्दी, बहुत ही जल्दी इसका असर मिलता है देखने के लिए। ये जो लाजवंती का पौधा होता है, यानी कि जो छुई मुई का पौधा होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप भी अपनी सारी बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, इसमें इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं वीडियो के नीचे इसका लिंक डाल दूंगी, ये पाउडर का लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से इसको आसानी से खरीद सकते हैं। चोट लग गया या फिर आपको वहाँ से ब्लड निकल रहा है ना, तो जो लाजवंती का पत्ती होती है, उस पत्ती को मसल कर उसका रस वहाँ लगा देते हैं, तो तुरंत वहाँ से ब्लड बहना बंद हो जाता है। वही कहती हूँ ना, इसका जड़, फूल, पत्ती, तना, सब कुछ एक आयुर्वेदिक दवा है। इसका किसी भी तरीके से आप इस्तेमाल करें, आपको कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है। तो सोनू कश्यप जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर अभी भी कुछ आपको डाउट लगता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है कि सबके कमेंट के ऊपर वीडियो बनाना, सबको अच्छी अच्छी वीडियो की जानकारी देना। बस एक छोटा सा काम आप लोगों को ये भी करना है कि मेरा वीडियो देखने के साथ साथ लोगों में शेयर भी किया करें और लाइक किया करें, ताकि
मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छा लगे, ताकि मैं और आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आप सभी लोगों के लिए लेके आती रहूँ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर किसी एक अलग नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।